हेलो नमस्कार, मैं शिवराज सिंह यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये प्रकाश का थर्ड पार्ट, जिसमें हम 10 प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा लगता है कि हमारे सूटेबल है या हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन आए वो आपको तुरंत मिल पाए। हम रोज़ सुबह मॉर्निंग डोज आपके लिए लेकर आते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर एक है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर दो है परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर तीन है परकिरणन के कारण, और ऑप्शन नंबर चार है विक्षेपण के कारण। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं पहले आपको हर बार बताता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए अपने से कौन सा आंसर हो सकता है, और इसका जो जवाब है 10 क्वेश्चन का वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीन, परकिरणन के कारण ही आकाश हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर दो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसमें क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर एक है तरंग दैर्ध्य समान बनी रहती है, ऑप्शन नंबर दो है आवृत्ति समान बनी रहती है, ऑप्शन नंबर तीन है आवृत्ति बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर चार है तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दो, आवृत्ति समान बनी रहती है, ऑप्शन नंबर दो है इसका वो राइट आंसर है। इसकी जो आवृत्ति होती है वो समान रहती है, यानी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई किरण जाती है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर एक है नीले आकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर दो है लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर तीन है नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, और ऑप्शन नंबर जो चार है वो ये है लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसी के कारण आकाश में नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय वायुमंडल में जो लालिमा दिखाई देती है वो किस कारण छा जाती है? सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय जो हमें वो लालिमा दिखाई देती है, जो सूर्य के लाल लाल दिखाई देता है, वो किस कारण दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर एक है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर दो है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर तीन है प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण, और ऑप्शन नंबर चार है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर चार, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर चार, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें सूर्य अस्त होते समय और सूर्य उदय के समय हमें जो लालिमा दिखाई देती है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँच, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? इंद्रधनुष के विक्षेपण है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? ऑप्शन नंबर एक है बैंगनी रंग का, ऑप्शन नंबर दो है पीले रंग का, ऑप्शन नंबर तीन है लाल रंग का, ऑप्शन नंबर चार है नीले रंग का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सॉरी विक्षेपण होता है वो सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और जो लाल रंग होता है उसका विक्षेपण सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, यातायात सिग्नलों में लाल रंग का जो प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है वो क्यों किया जाता है? क्योंकि खून का रंग लाल होता है, ऑप्शन नंबर दो है प्राणी जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं, ऑप्शन नंबर तीन है लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपण होता है, और ऑप्शन नंबर चार है लाल खतरे का प्रतीक है, जो लाल रंग है वो खतरे का प्रतीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीन,
लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है और बैंगनी रंग होता है वो सबसे ज़्यादा प्रक्षेपित होता है। इसी कारण यातायात सिग्नलों में जो लाल रंग होता है वो ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त में लिया जाता है, यानी जो पेरिस्कोप बनाया जाता है उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है या फिर लेंस लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर 2 है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 समतल दर्पण, यानी पेरिस्कोप बनाने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो वाहन होता है जो ड्राइवर होता है वाहन चलाता है उसके सामने जो ग्लास लगा होता है उसके जस्ट पास में बाजू में जो ग्लास लगा होता है वो ग्लास को कैसा ग्लास होता है, वो कौन सा लेंस होता है या दर्पण होता है वो क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर 2 है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर 4 है अवतल दर्पण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 उत्तल दर्पण, यानी वो लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। अब दोस्तों उत्तल दर्पण ही क्यों लगा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, वो सीधा बनता है और वो आभासी बनता है, यानी काल्पनिक नहीं बनता। जबकि अवतल दर्पण में होता है वो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता है और काल्पनिक बनता है। इसके कारण वहाँ पे उत्तल दर्पण लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है उत्तल दर्पण, ताकि प्रतिबिंब वो सीधा बने, प्रतिबिंब कैसा बने सीधा, प्रतिबिंब सीधा बने, छोटा बने, वस्तु से छोटा और वास्तविक बने, काल्पनिक नहीं बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, उत्तल दर्पण 1 नंबर, 2 नंबर अवतल दर्पण, 3 नंबर समतल दर्पण और 5 नंबर सॉरी 4 नंबर है यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है वो है अवतल दर्पण, यानी रोगियों के जो दांत देखे जाते हैं वो दांत कौन से दर्पण से देखे जाते हैं, यानी कितने कीटाणु है या नहीं है, उसमें क्या कमी है दांतों में, कौन सी बीमारी है, तो वो अवतल दर्पण से देखे जाते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिया जाता है, क्या काम में लिया जाता है, अवतल दर्पण काम में लिया जाता है, 2 नंबर समतल दर्पण, 3 नंबर उत्तल दर्पण और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण काम में लिया जाता है, यानी दाढ़ी बनाते समय कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है, अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारी सीरीज़ को आप ज्वाइन कीजिए ताकि हम आपको GS के एक अच्छे लेवल तक ले जाएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।